सो फाइनली वो दिन आ ही गया था जब हम घूमने जा रहे थे पर हमें हमारा ठिकाना नहीं पता था। जब भगवान कहता है या भगवान परमिशन देता है तो तभी आप चीजें कर सकते हो। हम इतनी देर से कल से सोच रहे हैं कि अब हम ट्रिप पे जाएंगे, अब हम जाएंगे, पर अब फाइनली हम जा रहे हैं। अब हमने बस पैकिंग करनी है। ये हमारा पिट्ठू बैग है जो खाली पड़ा हुआ है। ये हमारा कैमरा बैग है जिसके अंदर कैमरे का कोई सामान नहीं है। कैमरे का सामान सारा हमारा यहाँ, DSLR वगैरह जो लेंस लूंस है सारे यहाँ पड़े हुए हैं। तो 5 बजने में 2 मिनट पड़े। तो पहले हमने जाना है पानीपत। आज हम शायद वहाँ पे स्टे करेंगे, तो अगले दिन हम अपना ट्रिप शुरू करेंगे। तो लेट बड़ी हो गया, फटाफट पैकिंग करते हैं क्योंकि यार ड्राइविंग मैंने कल लेने करनी है। गगन ड्राइव कर नहीं रहा क्योंकि गगन कहीं और ट्रिप पे जा रहे हैं, वो आपको उसके व्लॉग चैनल पे देखने को मिलेगा। फटाफट पैकिंग करते हैं तो निकालते हैं ट्रिप वास्ते। कपड़े वैसे मेरे पास है नहीं, कपड़े जाके हम मनी से लेंगे। जल्दी जल्दी पहुंच जाए ताकि उसकी दुकान ना बंद हो जाए। जब दुकान बंद होगी ना देगा नहीं, नखरे करता है भाई। कोई चीज भूल ना जाए ना, भूल जाएंगे तो दिल्ली में या अपने घर पे तो रह नहीं रहे कि 2 मिनट में आवाज मारी नरेश यार 4000 दे दे, है ना। फिर वहाँ पे मार्केट में ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, आप ना अगर आपने कभी पैकिंग करनी है ना तो कैसे करा करो, हेड टू टो काउंट करा करो कि हेड पे हम क्या करते हैं, फिर अपने चेस्ट पे क्या कपड़े डालते हैं, फिर ऐसे ऐसे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको दिखा देते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारी मेकअप किट। मेकअप वैसे इसमें मेकअप का सामान कोई नहीं है, मॉइस्चराइजर परफ्यूम ही है, बट हमारी मम्मी ने इसको नाम मेकअप किट दिया हुआ है तो हम इसको मेकअप किट कह देते हैं। इसके बिना मेरा गुजारा नहीं, इसको ले लेते हैं और रख देते हैं, नहीं तो ये भूल गए ना फिर दिमाग खराब हो जाएगा। तो कपड़े भी हम थोड़े एक्स्ट्रा ले लिए। जूते, जूते तो हमारी जिंद जान है। दो जोड़ी है, एक ब्राउन वाले, एक व्हाइट वाले। व्हाइट वाले जो नए हैं भाई, जिसके पैसे हमने पूरे करने हैं, एक वो वाले जूते तो हम लेके जाएंगे। बाकी एक चीज और दिखाता हूँ आज आपको। आज हम ट्विनिंग कर रहे हैं, किस मोहतरमा से इस मोहतरमा से। मम्मी भी पिंक, हम भी पिंक, दोनों पिंक हुए हैं। अब मम्मी कितना टाइम लगेगा आपको? ओके चलो हम गाड़ी ले आते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं। गाड़ी लेके चलते हैं, बस इसमें सामान लोडिंग कराते हैं हम, तो फिर फटाफट निकलते हैं। मौसम ठंडा ठंडे में हम पहुंच जाएंगे पानीपत, ज्यादा धूप भी नहीं होगी, बस जाम ना मिले। हाँ जी, सो टाइम आ गया, तैयार है मम्मी। हाँ। मम्मी ने अपनी बेल्ट ना दो बेल्ट लगा ली है मम्मी ने, एक तो गाड़ी की बेल्ट लगा ली है, दूसरी कमर की बेल्ट लगा ली है क्योंकि ना मम्मी को कमर दर्द होती है। सो रेडी टू गो मम्मी, है ना। पापा सिर्फ घर पे रहेंगे, पापा अपने घर पे मौज करेंगे, पापा सुकून मनाएंगे कि मेरी बोटी भी जा रही है, मेरे बच्चे भी जा रहे हैं, पापा घर में वेकेशन मना लेंगे। तो हम चलते हैं, टाइम हो गया 5:30, देखो कितने बजे तक पहुंचते हैं। पापा का दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगेगा पापा। मैं कोई पानी पर जाती हूँ, मायके जाती हूँ रहने, सुबह जाती हूँ फोन पे फोन आने शुरू हो जाते हैं, कितने बजे आ रही है रोटी खानी है हमें। ठीक है पेट्रोल हमने भरवा लिया, 1500 का पेट्रोल भरवा लिया क्योंकि आज हमारी गाड़ी जानी है बड़ी दूर, पानीपत तक जानी है, दूर दराडे तक। तो आज हमारी गाड़ी बड़ी खुश हुई होगी, क्यों? क्योंकि ना जैसे वर्थ खोलते ना, तो आज हमारी गाड़ी ने वर्थ खोला है। एक ही बार में इतना सारा पेट्रोल किसी को मिल जाए गाड़ी को, उसका इंजन कैसे पटाखे मारेगा। आज हमारी गाड़ी का बिना इंजन ऐसे पटाखे मारेगा जो 200-300 रुपए से ऊपर नहीं भरवाते हम इसमें। जो चीज सोची थी वही होगी, बारिश शुरू हो गई है यहाँ पे, पर हमने जहाँ जाना ना वहाँ बारिश ना हो। अगर वहाँ पे ही बारिश हुई ना तो जितने भी दिन हमने वहाँ पे रहना है अंदर ही बैठे रह जाएंगे मम्मी, है ना, फिर कोई फायदा नहीं होगा ट्रिप का। तो बारिश सिर्फ दिल्ली में हो। आसमान इतना प्यारा हो गया ना, अब इतना प्यारा आ गया, गोल्डन आर इतना सोना लग रहा है ना,
मेरे को समझ नहीं आ रही भगवान खुश हो रहा है या दुखी हो रहा है कि हम दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। ये तो तब पता चलेगा जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे भी बारिश हुई, तो भगवान दुखी था मेरे ख्याल कि तुम ना जाओ यार, तुम्हें आगे जाके बारिश मिलेगी, ना हुई तो भगवान था कि खुश है जाओ। सिंगू बॉर्डर के अंदर से ही आ गए। बाकी एक डिसएडवांटेज है कि बारिश के चक्कर में ना गड्ढे बहुत है सिंगू बॉर्डर के अंदर, तो पानी मतलब जो पिंड है तो पानी ज़्यादा भरा हुआ है, बट रश जमा नहीं है तो बस गड्ढों का ही डर है। तो अगर आपकी गाड़ी नीचे ना, जैसे स्विफ्ट नीचे गाड़ी है तो नीचे लग जाती है बम्पर बुम्पर। फाइनली हम पानीपत पहुंच चुके हैं। मैं तो कह रहा हूँ लोग ऐसे ही लद्दाख जाते हैं, एक बार दिल्ली में ना बारिश में निकलो, बहुत ज्यादा वाटर क्रॉसिंग मिलेगी। इतनी ज्यादा वाटर क्रॉसिंग थी ना भाई, वाटर क्रॉसिंग मिलेगी, वाटरफॉल तो नहीं मिलेगा ना, वो कहाँ से लाएगा दिल्ली नहीं, में नहीं भाई वाटरफॉल भी पहाड़ का किसी लाएगा? किसी के घर में चले जाओ, हर घर में सीलन हो रही होती है, घर तक वाटरफॉल है, घर तक वाटरफॉल, घर तक हर किसी की छत चोरी होती है, कहीं ना कहीं से पानी मिलेगा मिलेगा आता हुआ। कपड़े दिखा दो फटाफट, फिर हम कल से जा रहे हैं हम ट्रिप पे। बताना नहीं है किसी को, बताया नहीं हमने किसी को, कहाँ जा रहे हैं तेरे को भी नहीं पता, अभी मेरे को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, वो तो गाड़ी में बैठने के बाद कहाँ जाना है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड ट्रिप जो होते हैं ना वो बढ़िया होते हैं भाई, तो अभी हमें भी नहीं पता कि कहाँ जाएंगे, क्या पता कल वापसी दिल्ली चले जाए, कुछ नहीं पता। हो रात के बज गए हैं 12:30, 12:30 नहीं झूठ बोल रहे हैं, एडिटिंग तो मेरे हाथ में होती है, यहाँ पे टाइम लगा दूंगा झूठ बोलोगे तो कपड़े हमने ले लिए हैं, वो हम आपको यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, वो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे कपड़े आपको दिख जाएंगे। वैसे अगर आपने पानीपत से शॉपिंग करनी है तो इंसार बाजार में आ जाए आप, सरदार जी कलेक्शन, इंसार बाजार पानीपत। और भी प्रमोशन करनी थी तुमने, MS व्लॉग्स, MS व्लॉग्स वाले बताया नहीं, अभी अभी बढ़िया यूट्यूबर नहीं बनाएंगे, धीरे धीरे सीखेगा कि हर जगह प्रमोशन करनी जरूरी होती है। अभी नए नए यूट्यूबर हैं हम। अब फटाफट मेरी पेंटे छोटी करा दो ताकि कल सुबह में 6 बजे 6:05 क्यों नहीं होनी भाई छोटी, भाई कोई लोड नहीं इंसार बाजार आने की, पेंटे छोटी नहीं करा के देते तुम्हारी, करा रहे करा रहे। तो अभी हम जा रहे हैं टेलर भैया के पास, तो देखते हैं वो कितनी देर में ये पेंटे जींस जून से कर देते, क्योंकि भाई लेंथ ठीक नहीं होती ना तो वो फीलिंग नहीं आती डालने की ना, और कमर से भी थोड़ी सी खुली है क्योंकि यू नो थोड़ा बहुत तो वेट मैंने गिरा ही लिया है, अगर मैं थोड़ा सा मोटा हुआ भी हूँ तो 16-17 वेट रिड्यूस भी गया, तो थोड़ी सी रिड्यूस वो करवा रहे हैं छोटी। रात को हम सोएंगे तो है नहीं, मेरे को नहीं लगता सोएंगे हम, सोना पड़ेगा, सोना पड़ेगा नहीं तो यार फिर ट्रिप ट्रिप मज़ा नहीं आएगा। देख ले मैरून कलर आगे, तो रेड भी लेके गया था, नहीं डालनी थी तूने भाई, अभी बहुत तगड़ा सीन हुआ आज ना, दिख जाता है ब्राउन पेरेंट्स कैसे होते हैं। अभी एक लड़का आया था, अभी एक कस्टमर आया था उसके साथ ना, उसका उनका बच्चा आया था, बच्चा होगा जवान 14-15 साल का होगा है ना, अब उसकी बढ़ती उम्र है ना, बढ़ता बच्चा होता है तो वो बढ़ते ही है, हट्टा कट्टा होता है, मोटा छोटा होता है, तो उनको हम इन्होंने जीन्स दी बिल्कुल फिट, मतलब बच्चे में जच रही थी, उसके पापा यार एक बड़ी दिखा दो यार, उनको भी होता है कि लड़के ने बड़ा होना है फिर पैसे खर्च हो जाएंगे, एक बड़ी दिखा दो एक बड़ी। फिर उन्होंने मनाया कि नहीं ये सही है खुली डुली, आप ये ले जाओ, या अगर आपके साथ भी हुआ ना, आपके पेरेंट्स ने जानबूझ के एक साइज बड़ा लिया है कि हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसको फिर भी आ जाएंगी, तो कमेंट में जरा बताना, हमारे साथ तो बहुत हुआ ऐसे, सबके साथ होता है, जितने भी कस्टमर आते हैं ना कहीं का कहते हैं बड़े नहीं ये छोटे डाल लेगा। अर्बन विलेज पहुंच गए हैं हम भाई, ये वैसे ना बंद होने वाला था, अब देखो अब मैक्स टू मैक्स 1-1.5 घंटे बाद ना डिसाइड हो जाएगा कि हम कौन सी जगह जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं या मनाली, क्योंकि ना खाने पीने के बाद हम खाने पीने के बाद तो हम दुबई भी हो आएंगे भाई, तुम देखो एक बार रोटी जान दो अंदर फिर हम डिस्कस करेंगे आराम से बैठ के, कूदना नहीं है रोटी नहीं करनी यहाँ पे। कपड़े हम आए हैं यहाँ पे अर्बन विलेज में, यहाँ पे ना ब्याह हो रहा है, मैं इसको कह रहा हूँ क्यों यहाँ पे ऑर्डर कर रहा है, हम सारे सोने मुंडे तो है ही, अंदर चलते हैं, व्लॉग का व्लॉग बन जाएगा, पैसे के पैसे बच जाएंगे, अगर धक्के मार के निकाले वो भी कंटेंट बन जाएगा, और क्या भाई हमारे लिए तो फायदा ही है ना हर जगह से है ना, हमारे लिए तो चारों उंगलियां घी में, कुछ भी हो हमें जुत्ती भी पड़े हम उसको क्लिक बेट इतना बड़ा कर देते हैं, 2 लाख की जुत्ती हमें पड़ी रोटी खानी शुरू नहीं हुई है, यहाँ पे जगह डिसाइड होनी शुरू हो गई है, तो हम ना मनाली और शिमला में ना डिसाइड कर रहे थे कौन सी कंपैरिजन कर रहे थे कौन सी जगह जाना चाहिए, तो ना इसने बहुत अच्छा कंपैरिजन निकाला, मनी ने मनी बताएगा आपको,
देखो जी, शिमला में ही पहाड़ है, मनाली में ही पहाड़ है, वन वन हो गया। ठीक है जी, शिमला ही मॉल रोड है, मनाली मॉल रोड है, टू टू हो गया। शिमला में भी मंदिर है वहाँ पर जो ऐतिहासिक है, मनाली में भी है, थ्री थ्री जाना कोई मंदिर नहीं है। चिकन वहाँ पे बढ़िया मिल जाता है, चिकन वहाँ मनाली में बढ़िया, गरीब बैठ जाते हैं ना, मॉल रोड है ना पहाड़ है, अच्छा है, आपने कभी व्लॉग में लड़ाई नहीं देखी होगी ना, कभी किसी व्लॉग में नहीं देखी होगी, चपेड़ बढ़ रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, कपड़े फट रहे हैं, रात को देखोगे, रात को आता भाई, रात को आता भाई देखोगे। हमने आपको कहा था ना कि एक घंटा रुक जाओ, हमें रोटी खान दो, हम डिसाइड कर लेंगे कहाँ जाना, तो हमने डिसाइड कर लिया, जितो दिख होती उतनी अकल होती। नहीं नहीं जी, हम जा रहे हैं शिमला पर, आप लोगों को लेकर आए हैं तो शिमला तो जाएंगे, अब हम शिमला जा रहे हैं, सुबह सुबह निकलेंगे, चार कितने बजे निकलेंगे, हाँ चार पाँच बजे सुबह निकलेंगे, चार पाँच बजे अगर नींद खुल गई तो, नहीं खुली तो कल आपको दुकान भी दिख जाएंगी इनकी। तो ऐसे नाल ही आप करते हैं इस ब्लॉग नू एंड, उम्मीद करते थोड़ा पसंद आएगा, तो अब ट्रिप शुरू हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, अभी मोस्ट प्रोबेबली कह रहा हूँ मैं, इतना भरोसा नहीं है मेरे को इन पे ना कि ये भाई ट्रिप शुरू कर भी लेंगे, बट ज़्यादा उम्मीद है कल से ट्रिप शुरू हो जाएगा। ऐसे नाल ही आप करते हैं इस ब्लॉग नू एंड, फिर मिलते हैं तुम नेक्स्ट ब्लॉग से, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।